आज के 5 मिनट फिजिक्स सीरीज में सीखेंगे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट का, जो कि जी एडवांस 2014 में आ चुका है। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। बच्चों क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन के जरिए मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि आईआईटी जी एडवांस में बच्चों के मन में एक डर होता है कि हमेशा बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएगा। ना बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स जैसे सिंपल टॉपिक में से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं बच्चों आपको, जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो को ना लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए बेटे, ठीक है। इससे आपका भी बेनिफिट हो, और जो बच्चे हैं जो कि कमिंग फ्यूचर्स में और जो आपके जूनियर आने वाले हैं या जो आपके साथ में कलीग्स हैं, उनका भी बेनिफिट हो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस भव्य से क्वेश्चन को, अब जो भी बहुत सिंपल है। इसमें आईआईटी जेईई एडवांस में आया हुआ था 2014 में, तो देखिएगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा बेटे। एक मेटल की सरफेस है, ठीक है भाई, यानी एक चीज मेरे को बोली गई कि मेटल की सरफेस है, ठीक है। मेटल के लिए क्या होता है, वर्क फंक्शन डिफाइन होता है फाई। चलो, मेटल की सरफेस को इल्यूमिनेट किया गया, यानी उस पर लाइट डाली गई। किससे? लाइट से इल्यूमिनेट किया गया, बाय टू डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की दो लाइट डाली गई। एक की जो वेवलेंथ थी वो 248 नैनोमीटर है, और जो दूसरी लाइट डाली गई उसकी जो वेवलेंथ है वो 310 नैनोमीटर है। आगे क्या बोला, जो मैक्सिमम स्पीड है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स लाइट में आ रहे हैं, लाइट इज द बेसिकली बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, मैक्सिमम जो स्पीड है करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ जो कि वेवलेंथ दी गई आपको करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के रिगार्डिंग, ये मेरे को दी गई U1 और U2, ठीक है। अगर रेशियो मेरे को U1 U2 का 2:1 दिया गया है, और HC की वैल्यू मेरे को, HC का मीनिंग क्या है भाई, H और C का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के फॉर्म में दी गई है। मुझसे पूछा क्या गया, मुझे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बताना है। चलो, इसके मेन डेटा को नोट करते हैं, आई होप सो आपने क्वेश्चन को देखा। तो इसमें λ1 और λ2 जो मुझे दिया गया है वो क्या दिया गया है, जो पहली वेवलेंथ है लाइट की वो कितनी है 248 नैनोमीटर। चलो, और λ2 जो दी गई है मेरे को वो क्या दी गई है 310 नैनोमीटर, ये दिया गया है। और U1:U2 की जो रेशियो दिया गया है वो 2:1 दिया गया है मेरे को, और HC की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 1240 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। वर्क फंक्शन मुझसे 5 पूछा गया। तो आइए सॉल्व करते हैं अच्छे सुंदर से क्वेश्चन को, इसकी खूबसूरती को देखते हैं क्वेश्चन की। सो देखिए मेरे बच्चों, चलो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, हम जानते हैं, हमने इक्वेशन सीखी हुई है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या होती है मेरे बेटे, बोलना पड़ेगा साथ में, E = वर्क फंक्शन जो फाई है प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई, अब मेरे को चूंकि इसमें स्पीड दी गई है तो मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल दूं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी मेरे बेटे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आ जाएगा एनर्जी ई, जो है जो गिवन एनर्जी है E = E - φ। अब मैं इसका रेशियो ले लूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1, क्योंकि लाइट की दो वेवलेंथ डाली गई है, अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास E1, ये E2 माइनस और ये φ। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे पास मेरे बेटे, ½mv² होती है, m से m के समाचम हो जाएगा, तो हाफ से हाफ भी समाचम हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर। डेटा को इसमें पुट कर देंगे, कैसे पुट कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा, U1/U2 की मेरे को वैल्यू क्या दी गई थी 2:1, सो मेरे बेटे ये क्या आ जाएगा 4/1 इक्वल्स टू, ये काइनेटिक एनर्जी 1/ काइनेटिक एनर्जी 2 मेरे पास है, ठीक है। चलो, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, E1 - φ, ई मैं जानता हूं एनर्जी, कैसे नोट कर सकते हैं, E = मेरे बेटे HC/λ, तो मैं E1/E2 का भी रेशियो निकाल सकता हूं, या तो रेशियो निकाल लो या अलग अलग कैलकुलेट कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, E1 क्या आएगा HC/λ1, HC क्या है मेरे पास 1240 by λ1, λ1 क्या है मेरे पास 248। जब इसको सॉल्व कर लेंगे 1240/248 - 1, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास 5 - 1/, और सिमिलरली HC/λ2, तो 1240/310, तो 1240/310, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 1 नहीं है सॉरी, ये 5 और 4 - 5,
ये बचेगा मेरे पास, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 5 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 5 माइनस 5, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या बचेगा 11 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 5। सो 5 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई मेरे बेटे, 5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 11 अपॉन 3, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 11 अपॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा ये 3.6 लगभग आएगा। सो अप्रोक्सीमेटली अगर इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है 3.7, विच इज नियरली इक्वल्स टू 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो आंसर है मेरे पास इसमें ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बेटे एक बार इसको, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया, इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप इसको एंजॉय करिए। थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।